देखने में तो अच्छा लग रहा है, बढ़ते अच्छा क्या ब्लॉग में इंटरेस्टेड नहीं होते हो आने के लिए, ऐसा क्यों? हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आज सातवां नवरात्रा है। माता रानी सबको खुश रखे, सबके घर में मंगल हो। आज सातवें नवरात्रे के हिसाब से ब्लू कलर लिखा हुआ आ रहा था गूगल पे, तो मैंने ब्लू कुर्ता ही वेयर कर लिया आज। कल के ब्लॉग की एंडिंग मैंने तकरीबन 12:30 बजे की थी, और आपको बताया भी था कि जोशी जी साइट पे हैं, उनका काम चल रहा है, पता नहीं कब तक घर वापस आएंगे। 3:30 बजे तक ऐसे ही टाइम निकल गया, यहाँ वहाँ करवट लेते लेते नींद ही नहीं आई मेरे को। फिर 3:30 तकरीबन इन्होंने बोला कि यार 1-1.5 घंटा ही मिलेगा मुझे सोने के लिए, तो मैं कार में ही सो जाऊँगा, मैं घर आऊँ फिर मैं वापस आऊँ, इतना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और 2 जोड़ी कपड़े उनके साथ रख के भेजे हुए थे पहले ही, कि कुछ नहीं पता साइड का, ऐसे ही होता है अक्सर, जब ओपनिंग होनी होती है तो बहुत ऐसा होचपोच सी रहती है, तो शायद आज आए अभी सुबह या ना भी आए कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा सा ही चल रहा है, कुछ इस तरीके से हो रही है दिन की शुरुआत। कल पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई हूँ, तो अभी भी नींद नींद सी हो रही है। वो एक बड़ी रील चल रही थी ना, हाय गाइज आपका स्वागत है मेरे आलसी से व्लॉग में, वो लाल हो रहा है आज मेरा। तो साफ सफाई डन हो चुकी है, नहा के हो चुकी हूँ तैयार, तो चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। मम्मी फिलहाल गए हुए हैं शान को उसके घर छोड़ने के लिए, और देवर जी नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जॉब पे जाने के लिए। मैं सोच रही थी थोड़ी देर छत पे टहल लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो धूप भी इतनी तेज आ रही है सुबह सुबह भाई साहब। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। मम्मी नहाकर हो चुकी हैं तैयार, और मेरे साथ मैचिंग की आज मम्मी ने, पहले देखा कि बहू ने नीला पहना है तो खुद भी नीला पहन लिया है ना। मैं पहले निकाल के रखी थी। कोई नहीं, निकाल के रखी थी आपने, आप मेरे साथ मैचिंग करना चाहती हो, मान जाओ ना, क्या हो गया, कोई आपको कुछ कह जो क्या रहा है कि क्यों मैचिंग की अपनी बहू के साथ करके करते ही ठहरे। ये हाथ कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, मतलब कोशिश ये हो रही है कि पीठा अच्छा सा लगाया जाए, और देखो पीठा कितना अच्छा सा लगा रहा है। हाँ हाँ वही तो कह रही हूँ, अपना कितना अच्छा लगाया गोल सा। तो तेरा गोल सा नहीं लगाने ना, तेरा क्यों लगाऊंगा गोल सा, बिंदी के ऊपर नीचे ढंग से लगाऊंगी ना, मेरा तो जो मन मर्जी लगाओ, तेरा प्यार से लगाना पड़ेगा ना। बस रे बेटा खुश रहो, खूब बड़ी हो जाओ, जय माता दी, बस रहो। ये दोनों माँ बेटे इतना मस्त टीका लगाते हैं ना मेरे। अरे अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं लग रहा है, इसमें दिख रहा है तुझे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो अच्छा लग रहा है। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूर्ति जान कहते दास तुम देव भय वरदा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मम्मी हमारी खेती तो काटने लायक होगी फिर, ये नीचे गिरने लग गए। मम्मी का भी चाय आहार किया जा रहा है, मम्मी अभी चाय छुड़का रही हैं, और साथ साथ में फल आहार किया जाएगा। थोड़ी देर मम्मा से वीडियो कॉल पे बात की हम दोनों सास बहू ने, उसके बाद रसोई में आ चुके हैं। जोशी जी से भी बात हुई तो जोशी जी बोल रहे कि मुझे तो टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने कल भी व्रत का खाना, जो व्रत वाली प्लेट होती है, वो वहाँ पे खाई थी, और आज वो कह रहे हैं कि मैं भोजन बाहर ही करूँगा करके। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से पुलाव बनाया जा रहा है, फास्ट वाला चावल सही रहते हैं, हल्के से रहते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, ज़्यादा तला हुआ भी नहीं होता, ये सही सोल्यूशन निकला है ना। ये पहली बार ही बना है इस बार है ना, वो यही खा रहे हैं। आलू गोभी की सब्जी सी हो चुकी है हमारी तैयार, इसमें शमा के चावल किए जा रहे हैं ऐड, हाथों हाथ हमने सोचा कि चलो थोड़े से कुट्टू के आटे के पकौड़े भी बना लेते हैं, तो थोड़े से बनाए जा रहे हैं। माता रानी के लिए प्रसाद तैयार है, जय माता दी। अभी एक हमारे जान पहचान वाले आए थे घर में, तो वो बता रहे थे कि जिस दिन सातवां नवरात्रा होता है उस दिन खेती को बांध देना चाहिए करके। सुबह में मम्मी से इस बात में डिस्कशन ही कर रही थी, तो मम्मी कह रहे यार हरियाओं को तो बांधते हैं इसका पता नहीं, तो फिर अभी उन्होंने कहा तो फिर बांध दिया ऐसे। हमारे घर में कौन आया, कौन कर लाए बाहू बाहू, कौन है,
शर्मिली कमीज के बटन भी सब खोल के लेके आया। आहा, 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 कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। क्या हो रहा है ड्रामेबाज? शर्म लग रही बाबू। ए ड्रामेबाज, ए दामेबाज, कैसे लग रहे चावल? अच्छे। दांत किसके बोला अच्छे? ये व्रत वाले चावल है, आपका व्रत है क्या जो आप ये खा रहे हो? व्रत है आपका? घर का कामकाज निपटाने के बाद भोजन हम लोगों ने कर ही लिया था, उसके बाद अभी व्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर लिए हैं, फोन का कामकाज सारा निपट चुका है। घर के बगल में ही भजन कीर्तन है तो बुलावा आया है वहां से, तो भजनों में जाएंगे। अभी मम्मा को मैं बोल रही हूँ कि आप भी साथ में चलो करके, लेकिन मम्मा मना कर रहे हैं। ईशान बाबू जी घर में आ रखे हैं तो मम्मी उसके साथ लगे हुए हैं, ईशान भी फोन में लगा हुआ है, मम्मी टीवी देख रहे हैं, ऐसे टाइम पास हो रहा है दोनों दादी पोते का। तो फिलहाल अभी मैं जाने लगी हूँ भजनों में, तो चलिए आप भी मेरे साथ। जहाँ भी माता रानी के नाम का गुणगान होता है, भगवान के नाम के भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ तो रौनक आती ही आती है। बहुत आनंद आया आज के, आनंद की जय हो, मैया रानी की जय हो। घर वापस आ चुकी हूँ अभी भजन कीर्तनों से। रास्ते में जब मैं आ रही थी तो भैया का कॉल आया, आपने ब्लॉग में देखा था कि मैंने आपको दिखाया था वॉशिंग मशीन खराब हो रही है हमारी करके, नवरात्रे चल रहे हैं, सब काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं मैया रानी की कृपा से। तो भैया का कॉल आया था कि जो पार्ट के लिए रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी वॉशिंग मशीन की, वो पार्ट उनके पास आ चुका है, तो बोल रहे कि मैं फिट करने के लिए आऊँगा करके। तो मैंने कहा कब तक आ सकते हो? कह रहे आप बताओ, आज ही आ जाता हूँ। मैंने कहा भैया आ जाओ, अभी आ जाओ। तो कह रहे कि 10-15 मिनट तक वो आने वाले हैं घर पे। तो वॉशिंग मशीन का जो हमारा ड्रायर वाला टब है उसके नीचे कोई मशीन का पार्ट है जो ख़राब हो रखा है, तो भैया मशीन आके सेट करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल उनका वेट कर रही हूँ, मम्मा सो रहे हैं बाहर, उनको उठाती हूँ अभी। मशीन का पुर्जा अलग कर दिया, ये तो करो देखियो इतनी अच्छी मशीन का, ये हम तो अगर खोल भी देंगे हम तो जुड़ेगा भी नहीं दोबारा। ये तो सीवा फटाफट ऐसा कर रहा है जैसे हम रोटी सब्जी बनाते हैं, हमें रोटी सब्जी का सीवा वो इनसे नहीं बनेगी। सबका अपना अपना टैलेंट है, तो कुछ भी नहीं नीचे की आज का कोई तो मोटर है लगता कि नहीं लगता नीचे से है ना। दो मोटर है और एक मैकेनिकल है, ये दो मोटर के सिर पे तो चल रही है मशीन। ये किसी की वजह कैसे फट गई होगी, फिर कैसे क्या हो गया होगा इसके साथ? तो पहला ये लिमिटेड का बढ़ा लो, पहले पानी डाल दो उसमें। अच्छा पहले पानी डालना है, थोड़ा पानी डाल दो जिससे कि अनबैलेंस ना हो जाए, बटबट बचती है ना उसके कारण बेहतर। अच्छा जो पहले भटभट करती है मशीन डाल दो तो बटबट नहीं करो। चल ले बेटा, मैं तो नहीं चलाऊंगी इसको, वारंटी बढ़ो, खूब चलाओ, खूब खराब करो, कोई दिक्कत नहीं है।
खाली बढ़ा दोगे, पैसे भी लोगे हैं? बिना पैसे के क्या होता है? 3000 रुपए बढ़ जाए थोड़ी ना, 3000 रुपए में। 3000 भैया कुछ कम है? और क्या सस्ता है क्या 3000 रुपए? बताओ मैम सस्ता नहीं है? एक बार ठीक है, फिर अब गारंटी होने के बाद में करवा लिया ना काम, तो एक बार में चले जाएंगे इतने पैसे तो। मतलब अगर अगर हमारी वारंटी में ना होता तो अगर ये वाला 25-26 रुपए खर्चा आता, अभी 25-26 को खर्चा आता मम्मी अगर ये वारंटी में ना होती तो। अच्छा परसों जो आए थे, अभी ये जो कर रहे हैं। हाँ विजिटिंग फीस अलग से हुई, फिर ये अलग हुआ, उस दिन भी लेते हैं। हाँ 550 रुपए आपको पता है, 500 रुपए कुछ लगता है वो आने आने के लिए हमारे विजिटिंग चार्जेस 500 रुपए बढ़ा दो आप। तुम्हारे को कंपनी देगी? अरे तो कंपनी देगी अभी तो है गारंटी में, क्योंकि 3000 रुपए तो ले ही रहे हो आप। वो तो आगे के लिए बढ़ा रहे ना, फ्यूचर के लिए। वो 3 साल के लिए बढ़ जाएगा ना, 3 साल फिर पड़ेगा पूरा 3000 में। हाँ तब तो खरीदो, अभी कह रहे ऑफर चल रहा है, मैंने चलो करवा ही लेते हैं, आगे काम ही आएगा, मशीन तो चलानी होगी। 3 साल तक तो ठीक है, और क्या। आप फिर खराब करती रहोगे, फिर ठीक कराती रहोगे, रोज खराब करो, फिर मैं धो लूंगी कोई बात नहीं। भैया मैं धोती नहीं, पता नहीं हो सका मेरी किस्मत इतना खराब हो, एक दिन मैंने बाहर धोए कपड़े धोई हूँ, उस टाइम तो मुझे चलाना भी नहीं आता, मम्मी के घर गए मैंने अड़ोसी पड़ोसी चलाना सिखाया इसके साथ। मतलब जब मैं मायके से वापस आती ना, भैया मशीन खराब होकर रखती है मेरे लिए, फिर मैं आगे वाले सर्विस करवाती हूँ, फिर यूज करती हूं। जिससे धुलते ही खराब हो गई, जैसे सारे कपड़े धो लिए मैंने, इसमें इसको सुखाने के लिए डाली हूँ, ये ऊपर का ना घूम रहा है, नीचे का नहीं घुमाया वो, मैंने सूख गया हुआ, ये ऊपर का घूम गया है, जैसे कपड़े निकालने लगे वो पानी का। भगवान ये क्या करता, तब से मशीन में हाथ ही नहीं लगाई, मैंने बोला भी नहीं, बोलती भी नहीं हूँ, खाली वहाँ आएगी मशीन खराब होगी, मेरी मशीन खराब होगी टेंशन में आएगी, यहाँ आई तब बोला ऐसे, मेरे को बेटा यहाँ आई, फिर हमने सरप्राइज दिया मुझे, पिछली बार वही बता दिया था, मेरे को बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो धोए भी नहीं ऐसे थे धोए, मेरे कपड़े जैसे निकले हो सके मेरे से ही होगी, पूरी मशीन ही चेंज हो रही है वाली। पहले 2 साल की थी ना गारंटी, अच्छा पानी हमने स्टार्ट रखा है, अच्छा तो मोटर घूम गया। हाँ बधाई हो जी, हो गई नहीं आपकी मशीन एक बार फिर से। वो जो मशीन थी हमारी वो खराब ही नहीं हुई। कौन सी वाली? दूसरी वाली जो से ऑटोमेटिक वाली चोरी हुआ, नहीं हुई बाबू खराब। अच्छा कभी नहीं हुई तो वो मशीन खराब हुई नहीं है, वो अपने आप ही करने वाली हुई ना सब, इसमें आधी कलाकारी तो इंसान ही करता है। हाँ, इसमें तो सारे मतलब इकट्ठे ही डाल दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, उसमें पानी डालते रहो, अपने आप घुल जाते हैं, अपने जितना पानी चाहिए उतना ही रहे, अपने आप बंद हो जाती है। पहले की चीज अच्छी आती थी, सही बात है, तो सामान भी बेकार आता है, पैसे भी जाते हैं, ये भी पैसे भी जा रहे हैं, चीज भी खराब, क्वालिटी हल्की कर दी गई है हमारी, लग रहा है खराब आई है, पानी रखी वो धुलाई करके। मम्मी अब रैगिंग कर रही होगी, हो सकता है ऐसे तो करते हैं, जो स्मॉल लेके हमारा मशीन लेके इसको थोड़ी लगा के किसी और को तो चिपकाएंगे, ऐसा करोगे भैया? मुझे पता है ना, वो भी हंस रहे हैं, कंपनी में जाएगी, कंपनी कुछ ना कुछ करेगी, फिर किसी मैंने बोला कि अच्छा अच्छा ये सोच ये बात सुनो, जब हमारी मोटर पुरानी थी ये, हाँ किसी की सही करके हमारे लगा गए हैं, हो सकता है, मुझे पता है ना, सारे राज खोल दिए आज। नहीं ये बात सही है बेटा, कोई झूठ थोड़ी है, ये बात कंपनी फेंकेगी थोड़ी नहीं, हाँ फेंकती थोड़ी है चीजें, हर चीज को रिप्लेस करती है, तो कोई टेंशन ना हो बेटा, आप धो सकते हो, बाबा इनको बुलाएंगे, इनका नंबर ले, तो कंपनी जिसको कहेगी वो आएंगे। मशीन भी वैसे नहीं लगवा रही है, अब और मस्त चलेगी है, चका बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मुझे वैसे उम्मीद थी नहीं कि इतनी जल्दी वॉशिंग मशीन ठीक हो जाएगी हमारी, तो वॉशिंग मशीन भाई साहब ठीक कर गए हैं, ऊपर से मैंने 3 साल की उसकी गारंटी और बढ़वा ली है, कुछ पेमेंट की है,
3000 के करीब, तो उससे जो है अब आगे 3 साल के लिए अगर वॉशिंग मशीन कभी भी ख़राब होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से हमारी सील की जाएगी, क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ये ऑफर में था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ ही है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल अगर मशीन ऐसे ख़राब होती रही तो फिर बार बार इसको ठीक करवाना, उतने चार्जेस लग जाते हैं, फिर विजिटिंग चार्जेस अलग से लगते हैं उनके, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतने खर्चे हो रहे हैं इतना और सही। तो फिलहाल छत पे आई हूँ, थोड़ी देर वॉक करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। तू साड़ी वाली अपना नाम तो बता, तू नुडू टू डू टू टू नुडू। मम्मी मैं आपको छेड़ रही हूँ, आप छिड़ क्यों नहीं रही हो? मम्मी थोड़ा सा छिड़ जाओ ना प्लीज। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ मैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ यार मैं दिखाऊंगा चाची, कौन लाया ईशानी पटाखे? पापा जी लाए, अभी तो टाइम है दिवाली को। अच्छा पापा के साथ गए थे तभी लाए थे। हाँ। अच्छा मेले से लाए क्या? नहीं, हाँ? नहीं गए थे आज। अच्छा आज नहीं गए थे मेले? नहीं पापा, पापा अपने काम लेके जाने थे, काम अपने काम लेने गए थे वो। अरे अपने काम से गए थे वो? नहीं हमको लेके गए थे लाते पे। अच्छा अच्छा रास्ते में भी तो होता है काम, बात सुन रहे तेरे पापा का काम बहुत बड़ा हो गया है, तेरे पापा का काम रास्ते में, दूसरे को बात नहीं आने देता ये बोलता रहता है। इसके पापा का काम रास्ते में होता है। ईशान मेले में कौन कौन से झूले लिए आपने? ये तो इतना बड़ा झूले में झूला, बस जो गोल सा आरती बता रही थी गोल सा झूले में है, इतना रोया करी बगल वाली भाभी, इतना रोया भैया लेके कोमल। हाँ। ये गाली दे रहा था अपने पापा को, गाली दे रहा था पापा। हाँ। गाली दे रहा इस कुत्ते को, बोलो झूला रोके, इस कुत्ते को बोलो झूला रोके, से चिल्ला रहा था, बोल ऊपर से डर लग गया इसको एकदम से। जैसे किसने बोला? हाँ इसकी मम्मी बता रही थी मेरे को। हाँ कह रही थी ये भाभी बता रही थी, इसे गाली कुत्ते पुत्ते कर रहा था। हाँ इसकी मम्मी बता रही थी। खराब हो गए, हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी मर्जी, सुन रहे हो? ईशानू बताओ क्या चीज है चाची के हाथ में, बताओ। आज इतना शर्मा क्यों रहा है आज ये लड़का, क्या हो रहा है इसको, जब से स्कूल से आया था तो शर्माया जा रहा है, शर्माया जा रहा है। बड़ा हो गया ना? अच्छा बड़ा हो गया ईशान, बड़ा हो गया क्या? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ कहाँ, देखना देखना हरकतें हरकतें, कहाँ? अरे भाई आराम से दे दूंगी मैं, शराफत से दे दूंगी, गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत है? पहले बताओ तो सही क्या हो सकता है, अंदाजा तो लगाओ क्या हो सकता है। कुरकुरे हैं? कुरकुरे। अब जरूरी है कि रोज चाची कुरकुरे लाएगी, कुछ और भी हो सकता है। कैसे पकड़ रहे थे क्या है? बताओ बताओ तो, अंदाजा तो लगाओ। टॉफी होगी? नहीं कोल्ड ड्रिंक, देखना जो जो चीजें इसको चाहिए वो चीजें बोल रहा, बड़ी बड़ी चीजें। टॉफी चाहिए? नहीं चाहिए, मेरे पास तो फिर टॉफी है, नहीं चाहिए। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट बाय। नहीं चाहिए टॉफी? नहीं चाहिए पता क्या है, वही तो पूछ रही हूँ, फिर क्या है? टॉफी होगी, लॉलीपॉप होगा, और वो होगा। दादी है ना ये, दादी है ना ये चीटिंग वाली, दादी ने देख लिया मेरे हाथ में। नहीं देखा मैंने, देख लिया कुछ हाथ के अंदर, मुझे नहीं पता, बाहर ऐसी चीज नहीं हो सकती ना फिर। और कुरकुरे टॉफी बिस्कुट की तरह कुछ हो सकता है? अच्छा बताओ क्या है। टेन टेन, रात के 12:15 हो रहे हैं, जस्ट अभी जोशी जी घर पधारे हैं नहाकर रूम में। तो जोशी जी कैसी रही आपकी साइड? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। थकावट बहुत ज्यादा है, नींद इनकी आंखों में झलक रही है साफ साफ, बहुत थक चुके हैं। और आज का हमारा दिन कुछ ऐसा सा ही रहा, अभी बाहर ईशान बाबू जी बैठे हुए हैं, मम्मा बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, ईशान फोन में लगा हुआ है, उसके साथ ही मस्ती करते करते समय का पता ही नहीं लगा कितना टाइम हो गया। अभी जब ये घर आए हैं, अभी नहा के जब रूम में आए, तब मैं अभी अभी रूम में एंटर हुई हूँ। तो जोशी जी कैसी रही साइड आपकी? बहुत अच्छी रही, सही रहा, अच्छा था। बढ़िया, थकावट की हद है?
हाँ सोई नहीं तो उसकी वजह से है ना। आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी अभी मैं तो। लास्ट जिस दिन मैं पटियाला से आई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने आपके साथ सामान शेयर किया था कि पटियाला से ये कुछ मैं लेकर आई हूँ, कुछ सामान मम्मा ने दिया था, कुछ मैंने खरीदा था, सब शेयर किया था आपके साथ। तो मैंने उसमें आपको दिखाई थी दो जाली लंबी सी कि क्या चीज़ है बताओ ज़रा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए उस ब्लॉग के नीचे, मैं कह रही हूँ 90% कमेंट उसी चीज़ उसी टॉपिक पे थे कि एक्चुअल में वो चीज़ थी क्या। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले जिनका कमेंट आएगा उनका नाम मैं लूँगी ब्लॉग में। तो सीमा नाम है इनका जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था कि तोरी को सुखा कर निकलता है ये, इससे नहाते भी हैं करके। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कुछ पूछ भी रहे थे कि दीदी क्या यूज़ है क्या चीज़ है करके। तो जब तोरी ज़्यादा मतलब बड़ा सा रूप ले लेती है ना तो उसके अंदर की वो जाली होती है उस जाली के अंदर बीज हो जाते हैं, उस बीज से दोबारा फिर तोरी की लग लग जाती है। तो एक तो बीज के काम आती है, वो बीज निकालने के बाद उसमें से उससे आप चाहे पाँव घस लो, चाहे उसको नहा लो उससे साबुन लगा के, तो या फिर आप उससे बर्तन भी साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एक मैं नहाने के लिए यूज़ करूँगी, देसी चीज़ें हैं तो एक नहाने के लिए यूज़ करूँगी, एक पाँव घसने के लिए यूज़ हो जाएगा, आधा आधा यूज़ हो जाएगा बर्तन साफ़ करने के लिए। तो जितना हो सके उसे काट के यूज़ करेंगे हम लोग। तो ऐसा मम्मी का और मेरा प्लान है। तो कैसा लगा आपको हमारा प्लान? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इनको आ रही है नींद, ये कह रहे तू फटाफट लोग कहने मुझे सोने दे बस, है ना। ऐसा था कुछ सही बात है। जोशी जी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टेड नहीं होते आने के लिए, ऐसा क्यों? सबको कुछ जवाब मेरे पास नहीं है, अपना जो सोचता सोच लो। सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यार इंसान जॉब पे जा रहे हैं है ना, इतना थक जाते हैं, वहां से आना है, रेस्ट करना है, फिर काम की भागा दौड़ी, अभी फिर काम पे जाना है, तो फिर बंदे को रेस्ट भी चाहिए होती है थोड़ी, और फिर थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है इंसान काम करके, थका हुआ है सब कुछ है। तो अब 24 घंटे हंसता हुआ चेहरा हर कोई नहीं दिखा सकता, सबका अपना अपना नेचर रहता है, लेकिन जितना हो सकता है उतनी वो हेल्प करवाते ही हैं। अभी इतना सब बोलने में कितनी उबासियाँ ले चुके हैं, खुद ही देख रहे हो थकावट के बहुत बुरे हाल है, थक चुके बहुत ज़्यादा। जोशी जी वॉशिंग मशीन सही हो चुकी है, वो आके चेंज करवा गए अंदर का, और थोड़ा सा वो बढ़ा लिया है ना उसका और वारंटी, हाँ जो मैं बोल रही थी 3 साल की बढ़वा ली है। तो एक ही एक अच्छा कार्य हो गया, बाकी आधा दिन माता रानी के भजन कीर्तनों में ही निकल गया, वो भी बढ़िया हो गया, हाजिरी लग गई। तो ओवरऑल अच्छा रहा आज का दिन, आपको कैसा लगा आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने चुटिया बनाई, ये भी कैसी लगी भी जरूर बताना। तो जोशी जी मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा बढ़िया, हर चीज में बढ़िया, खाना कैसा बना बढ़िया, मैं कैसी लग रही हूँ बढ़िया, और जो कटिंग वाले बाल है वो तो निकल ही जाते हैं बाहर, बाकी सब ठीक ही है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, आइए आहा आहा। Good night, honey. Good night, Good night, love you. I love you.